जम्मू कश्मीर में जितने भी पैसेंजर व्हीकल्स हैं वो सब इस खबर को सुनकर जाएं, बाद में ना पछताएं। अब बड़ी कार्रवाई हो रही है ट्रैफिक विभाग की जानिब से। ओवरलोडिंग पे एक दिन पहले 100 गाड़ियों को किया है वादी कश्मीर के अंदर सीज। कोई भी ड्राइवर अब नहीं बच पाएगा जिसकी गाड़ी में होगी ओवरलोडिंग, उस गाड़ी को कतई तौर के ऊपर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा जिस गाड़ी में होगी ओवरलोडिंग। और इसी तरीके से वादी कश्मीर के अंदर कई सारी गाड़ियों को सीज किया है, अराउंड 100 जो फिगर आउट हुआ है। दोस्तों, ये पैसेंजर व्हीकल्स जो जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पे इस वक्त आपको दिखाई दे रही है, या उसके साथ साथ जम्मू से पुंछ की तरफ, या फिर जो है वो डोडा किश्तवाड़ की तरफ, और कश्मीर के अंदर करना, टंगडार, टीठवाल, उसके साथ साथ गांधरबल, कुपवाड़ा, बडगाम, हिंदवाड़ा और जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स में ये ओवर पैसेंजर गाड़ियां, और जो ये पैसेंजर गाड़ियां ओवरलोडिंग होकर जाती हैं, इनके ऊपर कार्रवाई हो रही है। और जो ट्रैफिक विभाग है, यानी कि जो ट्रैफिक डिपार्टमेंट है, उनके जो SP हैं रूलर, उनकी जानिब से ये कह दिया गया है कि एक भी गाड़ी को अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और होगी भी नहीं। आपको मालूम है उड़ी में हादसा हुआ, 8 लोगों की पहले मौत हुई, बाद में 2 लोगों की और मौत हुई, आंकड़ा बढ़कर 10 हो गया। 10 लोगों की मौत उड़ी में हुई। मालूम है क्यों हुई? क्योंकि उस गाड़ी में 15 पैसेंजर्स थे, ओवरलोडेड गाड़ी थी वो। अब जितनी भी ओवरलोडिंग गाड़ी जम्मू कश्मीर के अंदर रोडों पे दिखाई देंगी, इन तमाम गाड़ियों पे कार्रवाई होगी। लेफ्टिनेंट गवर्नर के दफ्तर से लेकर ट्रैफिक डिपार्टमेंट के कमिश्नर के दफ्तर तक हलचल हुई है, बड़ी हलचल हुई है। और लेफ्टिनेंट गवर्नर के दफ्तर से लेकर ट्रांसपोर्ट महकमे के कमिश्नर के दफ्तर तक इसके ऊपर जो है वो सोच विचारधारा की जा रही है कि किस तरीके से इसे रोका जाएगा, किस तरीके से इन तमाम ड्राइवर्स के ऊपर कार्रवाई की जाएगी, कैसे इनकी लगाम को खींचा जाएगा, और किस तरीके से ये अगर जो है वो ओवरलोडिंग करते हैं तो इन पे वक्ती तौर जो है वो बड़े लेवल पे कार्रवाई भी की जाएगी। दोस्तों, मैं आपको ये बताते चलूं कि अगर कोई भी पैसेंजर किसी भी गाड़ी में बैठता है, चाहे वो तवेरा है, जाइलो है, स्कॉर्पियो है, कोई भी छोटी गाड़ी है, अगर उस गाड़ी में ये क्लियर कर लें और ये सुन लें, खबर को शेयर कर दें, 300 लोग देख रहे हैं, पहले ये खबर शेयर करें फिर ये सुने। अगर आप गाड़ी में बैठते हैं और गाड़ी में ओवरलोडिंग है, आपने उसी वक्त ट्रैफिक कंट्रोल रूम से कॉन्टैक्ट करना है, ड्राइवर का नंबर और गाड़ी का नंबर ट्रैफिक कंट्रोल रूम को देना है। अगर ड्राइवर का नंबर नहीं है तो सिर्फ गाड़ी का नंबर ही उठाकर आपने ट्रैफिक कंट्रोल रूम के व्हाट्सएप पे सेंड करना है, उनके साथ शेयर करना, उसी वक्त उस गाड़ी को सीज किया जाएगा या उसी वक्त उस ड्राइवर का लाइसेंस भी रद्द किया जाएगा, क्योंकि ये अब बर्दाश्त नहीं होगा। ओवरलोडिंग कभी भी बर्दाश्त नहीं होगी, चाहे वो लोकल ये लोग पैसेंजर गाड़ी लेकर चलें, या जम्मू श्रीनगर, या राजौरी पूंछ, किश्तवाड़, डोडा, करना, कुपवाड़ा, गांधरबल, बांडीपुरा, कहीं पे भी चलेंगे बर्दाश्त नहीं होगा, क्योंकि 10 जाने गई हैं, 10 जानों का नुकसान कौन भरेगा? दोस्तों, मजाक नहीं है, 10 लोगों की मौत हुई है उड़ी में ओवरलोडिंग की वजह से। आपको लगता है कभी ये बर्दाश्त किया जाएगा? आपको लगता है कि कभी इस तरीके की चीज को बर्दाश्त करने के लिए हम लोग तैयार हैं? कभी नहीं। जो LG साहब है उनके ऑफिस में ये हलचल हुई है, और वहां से ये हलचल होते हुए जो है वो कमिश्नर साहब तक पहुंची है, और कमिश्नर साहब के ऑफिस से ये जो हलचल है ये SSP के दफ्तर तक पहुंची है, और SSP ऑफिस से जो है वो SP रूलर को भी ये हिदायत दी गई है कि आप इस पे सख्त कार्रवाई करें, और उन्होंने इस मामले में सख्ती के साथ कार्रवाई की है। हालांकि जो DYSP हैं उनकी जानिब से भी इसमें तकरीबन 100 गाड़ियों को जो है वो सीज किया है जिनके पास ओवरलोडिंग थी पुलवामा के अंदर, और इसी तरीके से कई और हिस्सों में अब बड़ी कार्रवाई दिखाई दे रही है। हम चाहेंगे, आवाज उठाएंगे, मरते दम तक ये आवाज लहराएंगे, हमें हक चाहिए, इंसाफ चाहिए, हमें गाड़ियों में ओवरलोडिंग नहीं चाहिए। हर ड्राइवर ये कान खोल कर सुन ले, जहां पे भी आप मुझे दिखोगे ओवरलोडिंग के साथ, मैं आपकी रिपोर्ट करूंगा, मैं आपका नंबर उठा के गाड़ी का ट्रैफिक कंट्रोल रूम को सेंड करूंगा, मैं आपकी वीडियो बनाकर जो है वो SSP ट्रैफिक को भेजूंगा, और फिर मैं देखूंगा कैसे कार्रवाई नहीं होगी, फिर वो मेरी हेडेक है कार्रवाई होगी या नहीं होगी, वो मेरा पर्सनल हेडेक है, मैं आपको बताऊंगा कैसे कार्रवाई नहीं होगी, वो आप मुझ पर छोड़ दें, आप मुझ पर छोड़ दें। किसी भी गाड़ी में अगर आपको ओवरलोडिंग नजर आती है, दोस्तों मुझे वीडियो बना के भेजो, गाड़ी का जो है वो नंबर भेजो, फिर मैं देखता हूँ कार्रवाई होगी या नहीं होगी, वो मुझ पर छोड़ दो। अगर 24 घंटे में कार्रवाई नहीं हुई ना, मैं जर्नलिज्म छोड़ के चला जाऊंगा, ये मैं ओपनली आपको वादा करता हूँ। दिस इज माई प्रोमिस टू यू वंस अगेन।
कि मैं जर्नलिज्म छोड़कर भाई चला जाऊंगा अगर मैंने 24 घंटे में उस पर कार्रवाई नहीं करवाई। वेरी क्लियर, ओपनली, ये मैं ओपनली कहना चाहता हूं, क्योंकि जो उड़ी में 10 जाने गई है, जिन 10 लोगों की मौत उड़ी में हुई है ना, वो हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। साहब, आप लोगों को इतनी कौन सी भूख मरी है कि आप 7 की जगह 10 पैसेंजर्स गाड़ी में भर रहे हैं? और गलती तो हमारी अपनी है दोस्तों, और ट्रैफिक कंट्रोल रूम ने ये कहा है, सीधा सीधा पैसेंजर्स को कहा है, पैसेंजर मैं भी हूं और आप भी हैं जो सुन रहे हैं, कि अगर आप किसी गाड़ी में बैठते हैं उसमें ओवरलोडिंग है तो सीधा उसी वक्त जो है वो ट्रैफिक अथॉरिटी के साथ कॉन्टैक्ट करें, ट्रैफिक कंट्रोल रूम के साथ, ट्रैफिक डिपार्टमेंट के साथ, उन्हें सीधा कहें कि भाई साहब यहाँ पर ये काम चल रहा है, इस तरीके से इस गाड़ी में ओवरलोडिंग ज़्यादा की हुई है और हम चाहते हैं कि यहाँ पर ओवरलोडिंग वाली गाड़ी में जो है वो लोगों को दिक्कत आ रही है, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। उसी समय विद इन जस्ट फ्यू मिनट्स कार्रवाई होगी और बड़े लेवल के ऊपर कार्रवाई होगी। और दोस्तों, मैं क्लियर करना चाहूँगा, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कोई और नहीं बल्कि हम सब लोग हैं। वेरी क्लियर, आपको मालूम है जब श्रीनगर से जम्मू गाड़ी आती है तो वहाँ पे कई सारी गाड़ियाँ ऐसी भी होती हैं जिनमें ओवरलोडिंग होती है, राजौरी पुंछ वाली गाड़ी में भी ओवरलोडिंग होती है, और मैक्सिमम जो ओवरलोडिंग होती है वो मेटाडोर में होती है, वो बस में होती है, और वो बाकी सारी गाड़ियों में ओवरलोडिंग होती है। मैं गुजारिश करूँगा SSP साहब से जम्मू में भी, कश्मीर में भी, और ट्रैफिक के जो हमारे ADGP साहब हैं, मैं उनसे भी गुजारिश करूँगा, मैं महकमा ट्रांसपोर्ट से ये गुजारिश करूँगा हमेशा कि बराए मेहरबानी कर आप इस मामले में सख्ती के साथ कार्रवाई करें, और जितने भी ड्राइवर्स जो ओवरलोडिंग करते हैं इनके खिलाफ कार्रवाई करें, और इनकी गाड़ियों को सीज करें, इनके लाइसेंस को कैंसिल करें। वेरी क्लियर, इट्स वेरी क्लियर, ये बर्दाश्त नहीं होगा, ये बर्दाश्त के बाहर है साहब, कभी भी ये चीज़ बर्दाश्त टॉलरेट नहीं की जाएगी। क्यों करें जनाब, क्यों करें, मुझे ये बताएं क्यों बर्दाश्त करें? अगर मैं 100 रुपये बराबर किराया देता हूं तो आप गाड़ी में क्यों ओवरलोडिंग कर रहे हैं? अगर गाड़ी में 7 लोगों की जगह है, आप 10 लोगों को क्यों बिठा रहे हैं? ये किस खुशी में बिठा रहे हैं आप, मुझे इस बात का जवाब दें। और उससे बड़ी बात यह है दोस्तों, जो मैं आपको बताते चलूं, कि जम्मू कश्मीर के अंदर हमें इस चीज़ पे आवाज़ बुलंद करनी पड़ेगी, हमें कंट्रोल रूम से रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी, हमें पैसेंजर से रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी, हमें जो अपनी अथॉरिटी है उसे रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी कि अब इस चीज़ को बर्दाश्त ना किया जाए, जितने भी लोग इसमें मुलव्वज़ पाए जाएंगे ड्राइवर्स, उनके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। एक छोटी सी रिपोर्ट आमिर सुहेल के साथ।